ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18, आपके पुनीत के साथ। और पुनीत के साथ मौजूद हैं आज आनंद भी। आनंद बहुत बारीकी से जियोपॉलिटिक्स पे नज़र भी रखते हैं और ख़बरें भी उठाते हैं, बताते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए, क्योंकि ब्रिक्स समिट का आयोजन भी हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। वे बैठक भी करेंगे, राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी करेंगे, बहुत कुछ नया कुछ होने वाला है ब्रिक्स समिट में। लेकिन ये ब्रिक्स समिट बड़ा ख़ास है। क्यों ख़ास है, इसके बारे में चर्चा करेंगे आनंद से। लेकिन उसके पहले ज़रूरी है मिडिल ईस्ट और यूक्रेन और रशिया में चल रही जंग की बात। और सबसे पहले मिडिल ईस्ट से शुरुआत करें आनंद। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट से शुरुआत करते हैं क्योंकि मुख्य बिंदु अभी वही है, मिडिल ईस्ट। इसलिए क्योंकि ये जो पीएम मोदी का दौरा है, इस दौरे से दो मुद्दे उभर के आ रहे हैं। पहला मुद्दा ये है कि चीन का, और दूसरा है अपना ईरान की जो जंग जारी है, ईरान और इजराइल और हमास से। तो ईरान का भी नज़र है और उधर अमेरिका भी इस पर नज़र बनाया हुआ है। इस बीच चाइना का नज़र इसलिए बना हुआ है लोगों का कि चाइना से जो बीते कुछ सालों से सीमा विवाद था, उस पर अब पेट्रोलिंग को लेकर के सहमति जारी हो गई है। दोनों देशों के जो सेना थे वो पीछे हटेंगे सीमा से, और पेट्रोलिंग पर सहमति बनी हुई है। तो इसको लेकर के तो पहले ही ब्रिक्स सम्मेलन से, मतलब मोदी के, पीएम मोदी के दौरे से पहले ही ये अच्छी खबर सुनने को आ गई। अब रूस में ये जो समिट है, इस समिट में, समिट के बाद द्विपक्षीय बैठक भी होंगी सभी देशों के साथ। तो इस सभी देशों के साथ बैठक होगी, तो उसमें चीन में भी बैठक होगी। तो इस बैठक से, पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बैठक जो होगी, ये बहुत अहम है। इसमें ख़ास तौर पे तो ये जो विवाद चल रहा था, इस पर ज़रूर बात होगी। तो इस चीन को लेकर के अगर ये चीन और भारत की रिश्ते में मिठास आती है, तो कहीं ना कहीं पश्चिमी देश जो हैं, खास करके अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियाँ बढ़ेगी या टेंशन बढ़ेगी कहें तो। तो इस कारण से नहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट की बात कर रहे थे। देखिए, शी जिनपिंग से मुलाकात अगर होती है, बातचीत होती है, द्विपक्षीय बैठक होती है, तो दो साल बाद ऐसा मौका मिलेगा, ऐसा मौका, स्थिति बनेगी कि जब दोनों मुलाकात करेंगे। हालांकि पिछले साल आमना सामना ज़रूर हुआ था, लेकिन ऐसे बैठकर बातचीत नहीं हुई थी जैसे आप और हम बैठे हुए। लेकिन ये मिडिल ईस्ट, देखिए रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है और मिडिल ईस्ट की भी निगाहें हैं यहाँ पर। मिडिल ईस्ट में खूब बमबारी हो रही है, लबनान पर खूब रॉकेट दागे जा रहे हैं, ईरान और इसका इसराइल का वॉर छिड़ने की संभावना है, प्लान लीक हो रहा है। और इस बीच ये ब्रिक्स सम्मेलन होना, ये क्या बता रहा है? ये क्या मिडिल ईस्ट के लिए भी अहम हो जाता है? बिल्कुल, मिडिल ईस्ट के लिए इसलिए अहम हो जाएगा कि अगर ये तीन देश, मैं रूस का भी बात कर रहा हूँ, भारत, रूस, चीन, अगर साथ आ जाते हैं, तो कुल 36% जो आबादी है वो एक साथ दिखेगी। पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया की 36%। बहुत बड़ा पॉइंट बोल रहे हैं आनंद, की पूरी दुनिया की, अगर ये तीन देश एक साथ हो जाते हैं, रूस जो कि भूगोल के मामले में सबसे बड़ा है, और फिर दूसरे नंबर पर चाइना है, और चाइना आबादी के मामले में चाइना से भी आगे इंडिया। तो ये 36% आबादी एक तरफ, ये केवल तीन देश की बात कर रहे हैं, सिर्फ तीन देशों की मैं बात कर रही हूँ। अगर ये तीन देश आ जाते हैं साथ में, हमको लगता है कि इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं जो वॉर हो रहे हैं, जंग हो रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी पुतिन बोल चुके हैं कि अगर मेरे जो सहयोगी देश हैं, अगर वो कहेंगे तो मैं इस पर विचार करूंगा कि जंग खत्म हो जाए या जंग रोकी जाए, या फिर बहुत सारे जो ऑप्शन बनते हैं। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं इस पर, इस विषय पर भी नज़र बनता है कि अगर तीन देश अगर साथ आते हैं, तो जाहिर सी बात है जंग के रोकने की जो संभावना है, क्योंकि पीएम मोदी हमेशा कहते हैं कि मेरी जो हमेशा जो होता है वो शांति वार्ता का होता है, कि शांति एक समाधान है, शांति ही एक समाधान है, ये समय वो युद्ध का हाँ नहीं है। वो आज भी ये बात बोले हैं कि युद्ध का समय नहीं है और शांति से समझौता करा जा सकता है, बातचीत से जंग को रोका जा सकता है। तो कहीं ना कहीं
अगर ये तीन देश साथ में आते हैं तो अर्थव्यवस्था से लेकर के सारे चीज एक चीज और देख रहा हूँ मुझे याद है कि एक महीना हुआ करीब ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक बुलाई गई थी और ये रशिया में हुई थी बिल्कुल और मुझे तब याद है तब भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये कहा गया था कि ये तीन देश जो हैं वो अगर इसमें राजी होते हैं हाँ। जिसमें उन्होंने नाम लिया था ब्राज़ील का चाइना का और इंडिया का तो वहाँ पर यूक्रेन और रशिया के बीच में शांति स्थापित हो सकती बिल्कुल लेकिन हम इसको बार बार आप कहेंगे कि मिडिल ईस्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं तो मिडिल ईस्ट की तरफ जाने का कई सारे कारण हैं एक कारण है ब्रिक्स प्लस जिसमें हम जाएंगे कि ब्रिक्स प्लस क्या है और क्या हो सकता है दूसरा कारण है कि रूस एक प्रकार से ईरान को सपोर्ट कर रहा है ब्रिक्स में जो है कि पूरे 11 देश हैं ब्रिक्स प्लस में 11 देश हैं जिसमें कि अभी के मायने में ईरान सबसे बड़ा जो मिडिल ईस्ट का जो वॉर चल रहा है उसमें ईरान भी है 11वें देश में तो कहीं ना कहीं अगर ये जो मिडिल अभी तो अभी ये ब्रिक्स समिट चल रहा है इसके बाद ब्रिक्स प्लस समिट चलेगा प्लस मतलब जो उसके साथ में अभी हाँ क्योंकि ब्रिक्स में तो 5 सदस्य हैं लेकिन 1 जनवरी 2024 से 11 देश हो जाएंगे ब्रिक्स मतलब 6 देश और इसमें 6 देश और ऐड हो जाएंगे तो वो ब्रिक्स प्लस हो जाएगा और तो, इसमें मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूएई इसमें बिल्कुल यूएई इसके अलावा अरब को शामिल किया गया है ईरान भी है तीन अन्य देश भी हैं बिल्कुल ये देखिए ये दिलचस्प है आनंद ये बड़ा दिलचस्प है कारण ये है कि मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी हुई है ईरान की तरफ से कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ये देश जो यूएई है और अरब है ये भी इनके साथ में आके खड़े हो जाए बिल्कुल लेकिन वो साथ में खड़े नहीं है नहीं खड़े नहीं यहाँ पर आके ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं मतलब साथ में आके यहाँ पर खड़े हो रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल अब प्लस के नाम पर अब इससे मैं ये तीन देश का इसलिए नाम लिया था कि ये तीन देश अगर आते हैं साथ में रूस चीन भारत तो रूस का जहाँ जंग अगर रुका तो वो कहीं ना कहीं उसका असर ईरान इज़राइल हमास वाले युद्ध पर भी पड़ेगा अच्छा अभी इससे पहले ईरान वाले मामले में भी आप देखे होंगे कि अभी अमेरिका का कोई खुफिया रिपोर्ट था जो कि लीक हो गया उसके बाद से क्या हुआ कि ईरान को ये मालूम चला कि ऐसा ऐसा मामला चल रहा है उधर ये क्या बोलते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर भी हमला हो गया मतलब घर के बाहर हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि अगर ये समिट हो रही है खास तौर पर इसमें पश्चिमी देश जो हैं पश्चिम देश वो पूरा नजर बनाए हुए इस समिट को लेकर वही बात मैं कह रहा हूँ कि देखिए जब ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बात जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में ये कहा था कि बहुत मनमानी कर ली वेस्ट ने पश्चिम ने बहुत मनमानी कर ली और अब हमको पूरब की तरफ देखना चाहिए बिल्कुल और ये पूरब की तरफ देखने का मतलब यही है कि ब्रिक्स और ब्रिक्स में भी आप तो 11 हो गए पहले 6 थे ब्रिक्स प्लस में कुल मिलाकर हो गए 11 पुतिन कहीं ना कहीं क्या ये कोशिश कर रहे हैं कि ईस्ट बनाम वेस्ट हो जाए क्योंकि वेस्ट जो है वहां पर नाटो है बिल्कुल और नाटो में 32 देश हैं 32 देश हैं और पुतिन वही जो आप 36% की बात कर रहे हैं बाकी अगर देशों को मिला लिया जाए तो वो आबादी का परसेंटेज और ज्यादा हो जाएगा बिल्कुल अगर हम 11 देशों का जोड़ दें तब तो वो फिर आधे से ऊपर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं पुतिन भी इस बात को समझते हैं कि ब्रिक्स समिट कितना महत्वपूर्ण है खास करके अच्छा इस समिट से एक देखते हैं कि अगर पाकिस्तान तो इसमें शामिल नहीं है लेकिन इसके पहले जयशंकर पाकिस्तान गए थे पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान भी भारत के कहीं ना कहीं संबंध को और मिठास देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ उन्होंने भी बयान दिया था कि ये जयशंकर का दौरा जो है वो शुरुआत है अभी तो ये देखिए तो इससे इससे क्या होता है कि अगर ये पूरब के जो देश हैं एशिया जो देश है अगर ये लोग अगर समिट ऐड हो जाते हैं मतलब कि जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो बड़े देश हैं जिसके पास बिल्कुल नई पावर खड़ी हो जाएगी और उससे क्या होगा कि जो अमेरिका का अपना मनमानी है मनमानी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यूक्रेन को कहीं ना कहीं अगर यूक्रेन के पास उतनी शक्ति नहीं है कि वो रूस से लड़े लेकिन आज रूस यूक्रेन अगर लड़ रहा है तो किसके दम पे लड़ रहा है ब्रिटेन यूक्रेन अगर लड़ रहा है तो अमेरिका और ब्रिटेन की वजह से
क्यों लड़ा है? क्योंकि अमेरिका पूरा उसका समर्थन कर दिया है और प्लस हथियार भी भेज रहा है, सबसे ज्यादा तो हाँ, पैसा इसके कारण से, इसके कारण से जेलेंस्की जो है वहाँ के राष्ट्रपति वो पीछे नहीं हट रहे हैं, इसलिए नहीं हट रहे क्योंकि उनके पास अमेरिका का हाथ है। लेकिन एक चीज है कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये कहा गया कि सबसे बड़ी शर्त इस युद्ध को रोकने की ये है कि नाटो की सदस्यता यूक्रेन नहीं लेगा। हाँ, ये सबसे बड़ी शर्त, यही शर्त तो थी। आज 2 साल 7 महीने 28 दिन हुए हैं, आज के दिन से अगर हम जोड़ें तो 2 साल 7 महीने 28 दिन हो गए हैं, और इस पूरे अंतरकाल में कहीं ना कहीं इतनी शक्ति नहीं थी कि इतने दिन तक ये जंग चल सकती थी। जब ये जंग शुरू हुई थी तो लोगों लगा था कि यूक्रेन हार जाएगा, लेकिन आज 2 साल 7 महीने 28 दिन हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जेलेंस्की जो है उस शर्त को एकदम नकार चुके हैं। जो शर्त स्टार्टिंग में बैकअप कहां से मिल रहा है ये सब बैकअप तो, हाँ। एक चीज और है कि ब्रिक्स, या हम पहले भी जब चर्चा करते आए हैं, जब आपस में बातचीत करते रहे हमारे सहयोगी, तो हम यही कहते हैं कि दुनिया युद्ध से नहीं चलती है, दुनिया चलती है व्यापार से, बिजनेस से चलती है। और ये ब्रिक्स एक प्रकार से हमको लगता है कि ये जरिया है व्यापार को, संबंधों को बढ़ाइए। और अभी ब्रिक्स में जो चाइना की एक प्रकार से जो चाइना का मूव है, भारत के प्रति रुख है, वो एक कारण ये भी हो सकता है कि चाइना की अगर आर्थिक स्थिति देखी जाए तो वो अभी डगमगा रही है, पूरा डगमगाई हुई है। पाकिस्तान की स्थिति तो हम जानते ही हैं, पाकिस्तान की स्थिति के बारे में हम सभी जानते हैं। तो ये सब कुल मिलाकर साथ में व्यापार करने की दिशा में भी ये बिल्कुल अहम है। और ये 2 दिन का जो दौरा है पीएम मोदी का रूस का जी, ये बहुत खास है, बहुत अहम है, क्योंकि पीएम मोदी इसके पहले भी रूस का दौरा कर चुके हैं। करीब अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से बीते कुछ वक्त में बिल्कुल मेरे ख्याल से चौथा दौरा है शायद प्रधानमंत्री। लेकिन ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि इस दौरे में सी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी और द्विपक्षीय बैठक का भी संभावना बनता है। तो इस बैठक से पूरी जो क्या बोलते हैं, जो संबंध है वो अगर सुधरती है तो कहीं ना कहीं भारत का ताकत और बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जब पड़ोसी देश का सपोर्ट रहेगा, हालांकि चीन का भरोसा नहीं करना चाहिए लोग, ये बहुत ये इस बयान से ये बात सही है। देखिए जो आनंद कह रहे हैं कि चीन का भरोसा नहीं करना चाहिए, तो वो हिंदी चीनी भाई भाई के बाद जो 62 में हुआ वो किसको याद नहीं, उसको याद करते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि ये मुझे लगता है कि अभी जो चीन की मौजूदा स्थिति है ये उसके लिए भी गवारा नहीं है कि वो भारत को आंखें तरेर कर देख सके, क्योंकि अभी उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। दूसरी बात की भारत की संपन्नता या भारत का जिस तरीके से लगातार भारत पूरे विश्व पटल पर ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ये चीन इस बात को तो समझ रहा है, कहीं ना कहीं समझ रहा है। ये बात तो सही है बिल्कुल। मैं आपको एक चीज पढ़ के दिखाता हूँ, बताता हूँ जो रिपोर्ट है। ये जो मैं 3 देशों का बात किया था, इसलिए मैं 3 देशों का बात इसलिए मुख्य बिंदु बना रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं यही 3 देश हैं कि जो पूरे जो विश्व में जंग चल रही है, हो सकता है कि ये 3 देश अगर जुड़ जाए अच्छे से तो खत्म हो सकता है युद्ध। ये बड़ी बात कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये तीनों देशों की अर्थव्यवस्था अगर मिलाए जाए ना तो ये दुनिया की जीडीपी की कुल 36% बनता है। 36% 2023 के आंकड़ों के मुताबिक 19.37 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन। भारत 3.73 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थ इकोनॉमी, तीसरे पायदान पर जाने की तैयारी, तीसरे पायदान के जाने की तैयारियां हैं। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के अगर जंग होती है तो उस देखिए जंग तो पहली बात मैं बता दूं कि 2 देशों से नहीं होती है, 2 गुटों से होती है। बिल्कुल सही बात है ना, 2 देशों से होती तो फिर अब जैसे अभी तो हम लोग रशिया यूक्रेन बतिया रहे हैं कि जंग हो रही है, लेकिन जो जंग होता है ना, मतलब कि एक तरीके से मैं बोलूँ तो विश्व युद्ध, उदाहरण के तौर पर बताओ विश्व युद्ध क्या हुआ था, दो गुट आपस में बटे थे। तो उसी तरीके से अब जैसे रशिया यूक्रेन का जंग हो रहा है तो इसमें भी 2 गुट हैं, और ये सब जानता है कि रूस के समर्थन में कौन है और आपका यूक्रेन के समर्थन में कौन है। तो अगर भारत, देखिए भारत तो भाई यूक्रेन का भी
भारत तो एक तरीके से प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का दौरा किया, रूस का दौरा किया, तब आलोचना भले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने की, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पर भी गए और उन्होंने कहा कि मैंने आंखों में आंखें डालकर व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले को अगर इस तरीके से हम देखें तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इफेक्ट इसका पड़ता हुआ नजर आएगा, जो आप कह रहे हैं, जिस बात को हम समझ पा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा क्या ये ब्रिक्स को सैन्य ताकत, सैन्य सहयोग के अगर मामले की बात की जाए तो क्या ये शायद हो सकता है कि जल्दबाजी में किया गया सवाल हो सकता है अमेरिका से, लेकिन क्या नाटो जैसे कि आपस में सैन्य सहयोग की भी बात करता है तो क्या ब्रिक्स भी इस तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है या ऐसी स्थितियां बनती हैं, और अगर है तो इसमें क्या हमको लगता है कि भारत इसमें उस रूप से शामिल हो पाएगा? भारत की पॉलिसी थोड़ी सी अलग, भारत की पॉलिसी एकदम ये है कि भाई वो जंग से एकदम दूर रहता है। उसका सीधे कहना है कि जंग से न करके बातचीत से समाधान निकाला जा सकता है। पीएम मोदी इस बार को बोल चुके हैं कि जंग बिल्कुल हाँ कि जंग क्या, जंग से अच्छा है कि मैं बातचीत से समाधान निकाल सकूं। तो कहीं ना कहीं भारत निष्पक्ष है। रूस मेरा बहुत बड़ा सहयोगी है, भारत का बहुत बड़ा सहयोगी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर पूरे विश्व को देखा जाए, यूएन की बात कर लें अगर हम, तो यूएन में भी वोटिंग नहीं किया भारत इस मामले में कि किसके समर्थन में है नहीं है। भारत निष्पक्ष रहना चाहता है। उसका सीधे कहना है कि जंग से नहीं बात से युद्ध को खत्म। यूएन की बात आ रही है तो यूएन के महासचिव माउंट गुटेरेस जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात कि इस समिट में वो पहुंचे हुए हैं और वो जब यूक्रेन की तरफ से शांति के लिए समिट बुलाया गया था स्विट्जरलैंड में, तब वो वहां पर नहीं पहुंचे थे। तो ये एक बड़ी बात है कि वहां पहुंचे हुए तो शांति कहीं ना कहीं हर कोई चाह रहा है कि शांति बन जाए, लेकिन अब शांति की शांति स्थापित हो जाए इसकी अहम भूमिका में पीछे कौन रहेगा पर्दे के पीछे, ये एक बड़ी बात है क्योंकि बैठकें होंगी और कल जो बैठकें होंगी वो एक बंद कमरे में पहले बैठक होगी और उसके बाद फिर शाम को ओपन फोरम में बैठक होने वाली है और उसके बाद फिर वो ब्रिक्स प्लस का समिट होने वाला है जिसमें एस जयशंकर एक चीज और है, मेरे ख्याल से ब्रिक्स में ये बात भी चल रही है कि उनकी अपनी करेंसी में बिजनेस करें। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि अपनी करेंसी, यानी कि जो अभी तो दुनिया में सिक्का किसका चलता है, डॉलर का सिक्का चलता है, और वहाँ पर अब ये तैयारी हो रही है। जिस तरीके से भारत ने रूस से, भले ही रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन भारत ने रूस से तेल लिया और उसका सौदा अपनी मुद्रा में किया, अपने मुद्रा में किया। हर कोई, हर देश ये चाहता है कि अपनी मुद्रा में सौदा कर ले, तो ये इतने सारे देश अगर एक साथ आते हैं तो अपनी मुद्रा में सौदा करने वाली परिस्थिति भी ये हो सकती है और ये डॉलर को एक प्रकार से कमजोर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो कुल मिलाकर चर्चा आपने समझ ली कि ब्रिक्स को, ब्रिक्स की ये समिट जो होने जा रही है कितनी अहम है और इसके कितने मायने हैं, कितने आयाम है, चाहे वो मिडिल ईस्ट की बात हो, रूस और यूक्रेन युद्ध की बात हो, तमाम पहलू हैं। इसके अलावा भारत के पड़ोसी मुल्कों से संबंध जो हैं, क्या उसमें भी सुधार आ जाएगा? पाकिस्तान ने एक प्रकार से हम कहें कि प्लस साइन या पॉजिटिव साइन देने की कोशिश की है, क्या भारत उसको उतने ही अनुरूप से लेता है या फिर भारत अभी और चाहता है कि पाकिस्तान को अपनी गलती का और एहसास होना चाहिए और पाकिस्तान की तरफ से जब तक आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाई जाएगी तब तक भारत की तरफ से कहा जा चुका है कि हम इसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाले हैं किसी भी प्रकार से। तो एक तो ये पाकिस्तान के ऊपर दबाव, दूसरा कहीं ना कहीं चीन भी चाहता है कि परिस्थितियाँ बदलें और अगर ऐसी ही एक दूसरे को आंखें तरेरते रहे तो बात नहीं बनने वाली। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रूस जो है वो चाहता है कि अब पश्चिम उसके साथ आकर खड़ा हो जाए, क्योंकि वो हमें, माफ़ कीजिएगा, पूरब उसके साथ आके खड़ा हो जाए, क्योंकि पश्चिम को वो कहता है कि पश्चिम ने काफ़ी गलतियां बीते वक्त में की और खास करके रूस, खास करके रूस ये चाहता है कि बस दो देश आ जाए। हाँ, बस दो देश आ जाएं, चाइना और भारत में आ जाएं, क्योंकि चाइना से उसके संबंध अच्छे हैं तो भारत भी उसका पुराना। और कहीं ना कहीं रूस बीच में बन रहा है दोस्ती, दोस्ती कराने में जुटा हुआ है कि मतलब एक चीन का यहां और पर भी है कि एक तरफ यूक्रेन और रशिया में अगर कहीं शांति हो जाए तो उसके लिए चीन और भारत साथ में आके, इसीलिए ये बयान
पुतिन ने दिया, और कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि चाइना और भारत के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको भी कहीं ना कहीं खत्म किया जा सके। तो आपको क्या लगता है इस ब्रिक्स समिट के बाद क्या कुछ बदलाव होने वाला है जियोपॉलिटिक्स में, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए आज की चर्चा में इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद।